भाइयों और बहनों, आपने देखा होगा मैं काम नहीं करता, तो काम क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला काम हमें मोहब्बत की दुकान खोलनी। अदानी जी खड़े थे, अंबानी जी खड़े थे, देश के अरबपति खड़े थे, पूरा बॉलीवुड खड़ा था, क्रिकेट की टीमें खड़ी थी, मगर अयोध्या की सीट हार गए। माहौल आपने बनाया है, पूरे देश में माहौल आपने बनाया है। आप अपनी शक्ति समझो, पूरे देश की राजनीति आपने बदल दी है। आपने देखा होगा पहले नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे मैं नहीं हूं, भगवान मुझे ऑर्डर देते हैं, मैं काम नहीं करता, भगवान मुझे ऑर्डर देते हैं मैं करता हूं। पता नहीं कैसे भगवान है उनके, 24 घंटा अदानी जी और अंबानी जी की मदद करवाते हैं। मगर आपने फोटो देखी होगी कि नरेंद्र मोदी जी संविधान को ऐसे पकड़े थे, यूं कर रहे थे ना, देखा आपने, ये आपका काम था, ये आपने करवाया है। देश के प्रधानमंत्री को आपने मैसेज भेजा है कि संविधान को आपने छुआ, तो देखो हम आपके साथ क्या करते हैं। अब देखिए, अब यह भी मत सोचिए कि काम खत्म हो गया है, यह अभी काम शुरू हुआ है, यह शुरुआत है। हिंदुस्तान ने मैसेज भेजा है कि हमें नरेंद्र मोदी जी का विजन अच्छा नहीं लगता, हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें हिंसा नहीं चाहिए, हमें मोहब्बत की दुकान चाहिए और हमें नया विजन चाहिए देश के लिए। और अगर देश को नया विजन देना है तो भाइयों और बहनों उत्तर प्रदेश से ही देना होगा। और उत्तर प्रदेश ने मैसेज दिया है कि इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को हम चाहते हैं, देश में चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में भी हम चाहते हैं। तो काम क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला काम, जहां भी ये नफरत फैलाते हैं, नफरत के बाजार में हमें मोहब्बत की दुकान खोलनी है। आपने देखा भाइयों और बहनों, अयोध्या की सीट हार गए, राम मंदिर बनाया, उसमें इनॉग्रेशन में एक गरीब व्यक्ति आपने नहीं देखा होगा, एक किसान नहीं था, एक मजदूर नहीं था, एक पिछड़ा नहीं था, एक दलित नहीं। आदिवासी राष्ट्रपति से कहते हैं तुम यहां नहीं आ सकती। और आपने वहां पे देखा अदानी जी खड़े थे, अंबानी जी खड़े थे, देश के अरबपति खड़े थे, पूरा बॉलीवुड खड़ा था, क्रिकेट की टीमें खड़ी थी, मगर एक गरीब व्यक्ति नहीं खड़ा। तो जवाब अयोध्या की जनता ने भी दिया है, और सिर्फ अयोध्या में नहीं भाइयों और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती, तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते।